श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है, कल से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है और ये महीना बाबा भोलेनाथ का सबसे प्रिय माना गया है। इस महीने में जो भी बाबा की पूजा अर्चना सच्चे दिल से करता है, उसकी हर मनचाही मनोकामना पूरी होती है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपने कल की शिव महापुराण की कथा में एक उपाय बताया है, जो कि आप पूरे सावन के महीने में कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी जो भी व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, या फिर आपका कोई काम अटक रहा, या आप मेहनत कर रहे हैं और आपको उन्नति नहीं मिल पा रही, कामयाबी नहीं मिल पा रही, तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। उपाय क्या है और करना कैसे है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको दो जल के पात्र लेने हैं या फिर कलश लेने हैं, और आपको सुबह घर से निकलते समय उस दोनों पात्र में जल भर लेना है और उसे अपने दोनों हाथों पर रख के घर से मंदिर ले जाना है। अगर आप दोनों हाथों में नहीं रख सकते, तो आप एक पात्र के ऊपर दूसरा पात्र रखकर मंदिर लेकर जाएं। मंदिर जाने के बाद आप दोनों पात्र को अपने दोनों हाथों में रखकर शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे करके जल को समर्पित करें। जल समर्पित करने के बाद आपकी जो भी कामना है उसे कहकर और वापस घर आ जाएं। ये उपाय आपको पूरे सावन के महीने में करना है। इसे करने के बाद धीरे धीरे आपकी जो भी समस्याएं या परेशानियां हैं वो ख़त्म होने लगेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।